सो हाय गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, हमारा तेलंगाना, यूपी और बिहार काम ने पूरा कंप्लीट कर दिया। जहां तक कि यूपी का दो वीडियो और बाकी है, वो हम डाल देंगे जल्दी, ठीक है। तो यार देखो, इतना स्टेट कंप्लीट करने में, अगर आपको किसी भी स्टेट में, जैसे हमने सारा ओपन स्टेट ही चुना है, और यहां तक कि अभी हम और स्टेट में भी फैल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि हम महाराष्ट्र का भी कर रहे हैं, इफ यू वांट अस फ्रॉम द महाराष्ट्र का भी अगर आपको चाहिए तो आप महाराष्ट्र के लिए भी हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपना सारा फैला रहे हैं सारे स्टेट्स में भी, धीरे धीरे सारे स्टेट्स का भी आ जाएगा। तो अभी हम जो एक्टिव मेडिकोज हैं, वो इन्हीं चार स्टेट्स में अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट है। महाराष्ट्र भी आप एडअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अब मैं गाइस कर्नाटका के बारे में, जैसा कि हमारा कर्नाटका का सीरीज अभी थोड़ा सा बचा, उसमें कुछ कॉलेजेस, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कर्नाटका का एक मेडिकल कॉलेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म उसका इतना टफ है बोलना, तो मैं उसका फुल फॉर्म पे नहीं जा रहा हूँ। उसका शॉर्ट फॉर्म AIMS है, अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। नीचे हमारा फुल फॉर्म आ रहा होगा, आप एक बार देख लेना। जैसे कर्नाटका में थोड़ा कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे जो नेम्स वगैरह होते हैं थोड़ा सा बहुत टफ होता है इनका प्रोनाउंसिएशन, और गलत भी बोल सकता हूँ, इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो AIMS है, इसके बारे में पूरा डिटेल मैं देने जा रहा हूँ। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, काफी पुराना कॉलेज है, अपने आप में बहुत पुराना कॉलेज, देखा जाए 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसकी ट्यूशन फीस की बात करें, तो इसका जो ट्यूशन फीस लगा था वो 19,15,500 रुपीज इसका ट्यूशन फीस लगा था। अगर इसकी टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं इसका 81 लाख के आसपास का पैकेज है। और अगर इसकी कट ऑफ की बात करूं फर्स्ट राउंड में, तो इसकी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 522 थी। उसके बाद अगर इसकी लास्ट राउंड की कट ऑफ की बात करें, तो इसमें लास्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी वो 457 गई थी, ठीक है। अगर इसकी कैंपस साइज की बात करें, तो 29.7 एकर इसकी कैंपस साइज है। टोटल सीट्स की बात करें, तो 150 सीट्स इसमें है टोटल। कैंपस फैसिलिटीज की बात करें, तो इसमें कैफेटेरिया मिल जाएगा आपको, स्पोर्ट्स, जिम्स, ऑडिटोरियम और बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो सारे कॉलेज में रहता है। काफी पुराना कॉलेज है, तो इसका पेशेंट फ्लो जो देखा गया काफी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। इसका आप हमारा कैंपस टूर वीडियो भी देखते जाइएगा, बहुत ही अच्छा हमने ढूंढा, जो भी हमने पाया, इमेजेस वगैरह जो भी हमें मिलेगा मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, तो वो जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद अगर इसमें रूम्स हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। और अगर एकोमोडेशन की बात करें एक रूम में, तो बॉयज के लिए 2 लोग का एकोमोडेशन है और गर्ल्स के लिए 3 लोग का एकोमोडेशन है ईच रूम में। स्टाइपेंड की बात करें, तो यार देखो, यहाँ पे स्टाइपेंड थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें मिला स्टूडेंट से वो मैं आपको बता देता हूँ। 26,300 का स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद और डिटेल में जाया जाए इस कॉलेज के बारे में, तो मैं बता दूं, इसका जो एफिलिएशन अदर कोर्सेज में जो देखा गया है, अदर कोर्सेज में इसमें MD और MS देखा गया है। MD में इसमें 13 स्ट्रीम्स हैं और MS में इसमें 5 स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद इसमें लाइब्रेरी का अच्छा फैसिलिटीज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें लेक्चर थिएटर बहुत ही अच्छे हैं, 5 गैलरीज टाइप है। और उसके बाद अगर इसमें ऑडिटोरियम देखा जाए, तो इसका ऑडिटोरियम काफी बड़ा देखने को, इसमें ऑडिटोरियम दिया काफी बड़ा देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद इसमें एग्जामिनेशन हॉल जो देखा गया है, एग्जामिनेशन हॉल भी इसमें दिया गया काफी बड़ा, वो तो हर जगह होता है। उसके बाद इसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज की बात करें, तो इसमें 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत ही ज्यादा देखा, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है। 20 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है, 700 डॉक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। 30 डिफरेंट स्पेशलिस्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें लोकेशन की बात किया जाए, तो बस स्टैंड के से थोड़ा पास में रेलवे स्टेशन भी इसमें थोड़ा पास में देखा गया है। मैं आसपास का लोकेशन बता रहा हूँ कि ये कॉलेज कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एयरपोर्ट भी यहाँ पे थोड़ा पास में है, ठीक है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया है, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उस कॉलेज में, ठीक है। अब गाइस, इसके बारे में एक चीज बता दूं, यार कर्नाटका में अगर आपका 500 प्लस स्कोर है, तो एक बार आप कर्नाटका के लिए जरूर ट्राई करना प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो आप जरूर इस वीडियो से, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कर्नाटका स्टेट में, अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमारे आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, जरूर हम कोई ना कोई आपकी मदद करेंगे, हम आपसे रीच आउट जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो प्लीज आप हमारा गूगल फॉर्म भर दीजिए और लास्ट में कैंपस टूर वीडियो देख के जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।